सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रुपेंद्रा बुल्ड वर्कशॉप। आज फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक गंभीर समस्या के ऊपर। जी हाँ, जैसे गर्मियों का टाइम आ चुका है और इसमें हमारी प्रॉब्लम सभी बाइकरों के साथ आती है कि हमारी गाड़ी जब हम चलाते हैं ना 4-5 किलोमीटर, तो हमारी गाड़ी बंद हो रही है, फिर थोड़े समय बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या फिर हमारी गाड़ी काफ़ी टाइम तक धूप में खड़ी है, उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेती है। तो क्या वजह है? वजह आपको खैर पता होगी, अगर नहीं पता तो बताता हूँ। इसकी वजह होती है कि हमारे टैंक में गैस बन जाती है, जो हमारी खासकर ये BS4 वाली जो 17 मॉडल से ऊपर गाड़ी है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अपने उससे जो पहले 16, 15, 14, 12, 13 उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो हमारी गाड़ी BS4 है उसके अंदर ही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल तो आपको मैं बता देता हूँ कि गैस होती क्या है टंकी में, जो मैं गैस कह रहा हूँ, जैसे कि हमारी गाड़ी चलती है, जब हिलती है गाड़ी थोड़ी बहुत, तो आप जैसे चेक कर सकते हो इसके अंदर गैस बन जाती है। ये देखो, यहाँ से वो निकलता है, तो अपना क्या होता है, गैस बनने के बाद हमारे यहाँ से पेट्रोल आना बंद हो जाता है पेट्रोल टैंक में, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो यही देखना, अगर हम मेन रोड पे और हमारी गाड़ी 4-5 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो रही है, तो हमें इसका टंकी का ढक्कन खोल देना है, इससे हमारी स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी हमारी धूप में खड़ी है तो हमें क्या करने के बाद टंकी का ढक्कन खोल कर फिर स्टार्ट कर सकते हो, तो अपना आराम से स्टार्ट होता है। पर वही बात है कि अगर हम लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो गाड़ी बार बार बंद हो जाए, बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है। और लोकल में चलते हैं तो हर बार ढक्कन खोलने में फिर अलग परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है जो हमारे टैंक की, पहले दिखा देता हूँ आपको कारण क्या होता है इसका। ये देखो, जो गैस होती है, देखो इधर आने पास लाओ भाई, ये देखो इसके टैंक में ना कोई भी होल नहीं है। एक यहाँ पे होल होता है BS3 में, आपको दिखाते हैं वो भी। ये इसके अंदर कोई होल ना होने के कारण अपने गैस बनती है। आप इस बोल्ट पे देखो, ये हमारी 15-16 मॉडल है और ये देखो, जब इसका होल होता है ना, जो भी हमारे टैंक के अंदर गैस वगैरह बनती है इस होल की वजह से, और यहाँ से बाहर आ जाती है हमारी गैस सारी, तो इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अंदर कंपनी ने क्यों दिया, आप सोचते हो भाई कंपनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने जो BS4 निकाली थी उनका मतलब यह था कि भाई हम गाड़ी को गैस जो सब बनती है उनसे हम गाड़ी को बुल्ट को चलाएंगे, तो आपकी माइलेज में फर्क पड़ेगा। खैर ये सिस्टम इतना कामयाब नहीं हो पाया, हर बाइकों में किसी की सेम प्रॉब्लम आती है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है जो हमारी BS4 वाली पाइप है जिनकी, उसको हमें अच्छी तरह क्लीन करना है, कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो रही। वो पाइप दिखाते हैं आपको राणा के पास। जैसे कि ये पाइप होती है, एक वाली तो होती है जो हमारे यहाँ पे टंकी में पानी होता है वो निकालने के लिए, जो हमारी अगली वाली है उसमें होता है कि यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, कार्ड वगैरह अंदर जाती है, तो सबसे पहले हमें ये निकाल कर इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद फिर भी लगभग आती है प्रॉब्लम, तो उसके बाद हमें क्या करना है, आपको उस साइड जाना, दूसरी साइड उसके अंदर होल कर देने हमें। ए कहाँ गई पाइप यार, ये वाली, ये देखो, सिर्फ एक दो होल करने हैं इसके अंदर इस टाइप से, तो यहाँ से हमारी गैस निकल सकती है। दिखाना पास से दिखाऊं, जो ये पाइप है इसके अंदर हमें होल कर देना, जैसे मैंने कर दिया 2-4, ठीक है। अगर फिर भी आपको, आप सोचोगे भाई होल, एक तो होल करने का तरीका होता है, या फिर आप चाहे तो इस पाइप को निकाल सकते हैं, पर निकालने का एक नुकसान हो सकता है, जैसे कि हमारे टैंक में ना जो अंदर इसकी BS4 वाली पाइप है, क्या होता है कई बाइकों में ये हिल हिल कर टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ से पाइप हमारा पेट्रोल बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो इसको तो खैर हम ऐसे निकाल नहीं सकते, पर निकालने के बाद हमारा पेट्रोल वगैरह बाहर आ सकता है, तो क्या करें? अगर पेट्रोल बाहर आता है तो हम इसको पाइप को बंद करते हैं, फिर भी हमारी गैस में टंकी में गैस ज़्यादा बनती है। तो इसका अब बात करते हैं कि प्रॉपर इलाज क्या है भाई, बात इतना लंबा ना खींचते हुए प्रॉपर इलाज बताते हैं करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर होल नहीं होता, तो हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसके अंदर होल भी कर सकते हो, पर इतना कामयाब नहीं होता था, पर हमें क्या करना है, तो हमें उस तरह का ही ढक्कन लगाना है अपने बुल्ट के अंदर। ये आपको अपना 2016 के मॉडल, 15-16 के मॉडल का मिल जाएगा, ठीक है, BS3 का। दिखाते हैं आपको किस टाइप का होता है। आप चाहे तो खैर कंप्लीट लॉक किट भी चेंज करा सकते हैं, असल में तो 2017 में आई थी BS4, इतने में तो लॉक किट का भी टाइम आ जाता है। अगर फिर भी आपका टाइम नहीं आया और आप परेशान ज़्यादा हो रहे हो, तो हमें ये BS3 का टैंक लॉक लेना है। ये देखो पास सब दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला होल होता है ना, ये इस होल की वजह से अंदर जाके यहाँ से हमारी गैस वगैरह बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसको चेंज करने का तरीका खैर नॉर्मली है, अपना इंस्टॉल हो चुका है, सिर्फ अपने 2 बोल्ट खोल के इसको फिट करना था। अब देखते हैं हम टंकी को हिला के अपने गैस बन रही है कि नहीं बन रही है इसके अंदर। ये पहले क्या हो रहा था, जब मैं इसको हिला के जब गाड़ी टैंक को ढक्कन खोल रहा था, एकदम बैक मारा था। अब देखते हैं, खैर चलने के बाद
पता चलेगा। ये देखिए इस टाइम कोई वो नहीं है, मतलब सारी गैस अपनी निकल जाती है। ये प्रॉब्लम खैर अपने किस में आई, ज्यादातर 17 और 18 मॉडल के अंदर ही आते हैं, 17, 18, 19 जो अपने BS6 आ गए थे उसमें। खैर कंपनी ने फर्क दे दिया था कि जो पाइप थी वो हमारी ऊपरी ऊपर थी, उसमें इतनी गैस बनने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मेन हमारी सिर्फ अपना BS4 के अंदर ही प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। ओके तो ये तो खैर हो चुका है काम रेडी। अब बात करते हैं हमारे लॉक किट की कि भाई इसके लिए हम सिर्फ टैंक लॉक चेंज कराना है या अपन टैंक लॉक किट भी चेंज करा सकते हैं। तो देखो ये तो आपके खैर बजट के ऊपर होगा बात भाई, और जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको दो चाबी रखने में को बुलेट के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ टैंक लॉक को भी चेंज करा सकते हैं। अगर आपको सिंगल ही चाबी चलाने का शौक है भाई तो अपना लॉक किट ही चेंज करनी पड़ेगी, नुकसान ऐसा 1% भी कुछ नहीं है। आप जैसे दोनों ऑप्शन आपके पास, सिंगल लॉक चेंज कराओ या फिर अपना लॉक किट चेंज कराओ, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली नहीं आता ये, आता है 400 कुछ रुपए का आता है अपना टैंक लॉक। लॉक किट आती है हमारी 1000 कुछ की। तो वीडियो में खैर अपने सारी डिटेल से बात कर चुके हैं कि हमारे टैंक में अगर गैस बन रही है तो क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और ये अपना लगाने के बाद अपने बिल्कुल नहीं बनेगी, अपना जब बेशक चला के देखो कितना लंबा रूट निकालो, कैसे मर चलाओ, धूम में खड़ी करो, थोड़ी बहुत तो हल्का फुल्का चांस तो हो सकता है, बिल्कुल भी कह नहीं सकता, पर अपना बहुत फर्क होएगा पहले से। खाली अपना वही बात है 10% मुश्किल से होता है कि गैस बनेगी, अदरवाइज गैस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मैं खुद यही काम करते हैं। इस बुलेट में यही शिकायत थी तो इसलिए मैंने टैंक लॉक चेंज कराया इसका। ओके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।